हमारी इंटरग्रामिंग भी होती है, इसको हम वर्टिकल ग्रामिंग कहेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? हम जो है, हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला ये है कि हमें बताना है कि माइक्रो गार्डनिंग है क्या, इससे उसके बाद बेनिफिट्स क्या है ग्रीन हाउस माइक्रो गार्डनिंग के अर्बन एरियाज में। जैसे सबको पता है अर्बन एरियाज में जो है स्पेस बहुत बड़ा मसला होता है, यहाँ पर स्पेस जो है बिल्कुल नहीं होता, तो अर्बन एरियाज में हम माइक्रो गार्डनिंग कैसे करें? हम वहाँ पर स्पेस की वजह से माइक्रो गार्डनिंग करते हैं इस वजह से क्योंकि माइक्रो गार्डनिंग में कम स्पेस में हम जो है ना कितने भी वेजिटेबल्स हैं ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रो गार्डनिंग में ये है कि हम घर पर छत पर या गार्डन पर लॉन पर या हमारे रूम्स के जो लॉन जो है हम वहाँ पर भी जो है ना ये कार्स रख सकते हैं। ये ऐसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे जो घर की जो है ना एक डिजाइन के तौर पर भी हो जाए और गार्डनिंग भी हो जाए। उसके अलावा हम माइक्रो गार्डनिंग के लिए कौन से फायदे हैं? तो फायदे तो ये हैं कि ये तो एक हमारी इनकम जो है वो सेविंग करता है, पैसे हमारे बचाता है, वो पैसे इस तरीके से बचाता है कि जैसे हम कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं कर रहे, इसमें कोई दवाई वगैरह यूज नहीं कर रहे। और जो नुकसान देती है उसमें टीवी है और लुटेरा है, नाम से पता लग रहा है कि ये मतलब नुकसान ही पहुँचाता होगा ना इसको। और भी बहुत ही है मगर मेरी स्लाइड के हिसाब से मतलब यही है। ये बेनिफिशियल है, कड़वा दो हो गया, शहद की मक्खी हो गई और कई लकड़ा हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से मतलब नुकसानदायक कीड़े हैं और कौन से फायदे वाले कीड़े हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको यूज़ करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ट्राइकोग्रामा प्रीडेटर्स हैं, उन्हें हम रेयर करते हैं, उनकी पालना करते हैं खुद से लेबोरेटरी में। फिर क्या करते हैं, वो ट्राइकोग्रामा जब एक टू लार्वा शेप में आते हैं तो हम वो लार्वा टू प्यूपा, प्यूपा टू एडल्ट की जब शेप में आते हैं तो हम उन्हें फीड पर छोड़ देते हैं। तो लाखों की तादाद में जब हम ट्राइकोग्रामा एक जो है येलो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ पर वो येलो कलर देखते हैं वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन की वजह से वो येलो कलर पर शीट पर जैसे बैठते हैं ना तो ग्रीस की वजह से वो चिपक जाते हैं उस शीट में। जब वो चिपक जाते हैं तो ऐसे ही सारे फील्ड के जो भी स्पेशली वाइट फ्लाई बहुत ही भिंडी के जो फसल लगाते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वाइट फ्लाई जैसे वाइट फ्लाई एक सेरेमनी होगी जिसमें आपको ये टीका की जानिब से, इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिनका ये इनिशिएटिव है हमारे साथ, आपको बैग्स दिए जाएंगे। और ये जो ट्रॉलीज हैं इसको हम आपको मंडे वाले दिन हैंड ओवर करेंगे। मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो आपको, और हम आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रब्ता करके आपको टाइम बता देंगे। 3 घंटे का कोई हम वक्त इसके लिए अलॉट कर देंगे, उसमें आपको आना है और आपकी ट्रॉली आपने हमसे लेके जानी है। अब आपने ये ट्रॉली इसका साइज सब कुछ देख लिया है, इसी तरह से होगी तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्मूथली इसको लेके जा सकें। ठीक है, बाकी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा ताकीद के लिए मैं आप सबसे माफ करता हूँ। पहले हम रिविजन स्टार्ट करेंगे जो भी हमने कल पढ़ा था, तो फिर आप भी हमें पार्टिसिपेट करें, साथ में हम रिवाइज भी करते हैं तो हमें मेमोरी हो जाए क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले आपने पढ़ा था वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है, तो आप में से वॉलंटियरली कोई बता रहे कि वेजिटेबल्स क्या रोल है हमारी लाइफ में और हम क्यों खाते हैं वेजिटेबल्स, क्यों उगानी चाहिए, इस हवाले से कोई बताना चाहिए? बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि वेजिटेबल्स का जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, इसके अलावा और सारी जो बीमारियाँ हैं हर्ट की बीमारियाँ हैं उसके लिए अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती है, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये जितने भी मसले हैं हमारे स्टमक के वो सारे उससे हल हो जाते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा वेजिटेबल्स हमें क्यों लगानी चाहिए, मतलब किचन गार्डनिंग हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसके हवाले से कोई बताएगा? ताकि हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्री ऑफ पेस्ट एंड केमिकल्स मिल सकें और हम एक मतलब हेल्दी वेजिटेबल्स मिलेंगे तो हमारा जो इनर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वो खुद हेल्दी रहेगा। जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एक तो हमें घर बैठे पेस्टिसाइड फ्री हमें वेजिटेबल्स मिलेंगी क्योंकि उस पर कोई पेस्ट का स्प्रे नहीं होगा, जो हम हाँ मार्केट से लेके आते हैं उस पर पेस्ट का स्प्रे होता है वो बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी सेहत पर जो है बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा, हम आगे बताना चाह रहे हैं, आप वॉलंटियरली बताएँ जो भी होगी सामने लिस्ट लगी हाँ लगी हुई है आप वहाँ से देख सकते हैं। समर वेजिटेबल में हम टोमेटो उगा सकते हैं, चिली, ओकरा, ब्रिंजल, बोटल ग्राउंड और मतलब भिंडी होती है, कद्दू होती है, जैसे ये सारी चीज़ें हम उगा सकते हैं। प्याज, आलू, प्याज नहीं था आलू और बाय वेजिटेबल अच्छा ये आपने से वॉलंटियरली कोई बता दे कंपोस्ट के बारे में कि कौन कौन से उसके अंदर मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बताया, इसमें जो किचन का हमारा वेस्ट होता है जैसे छुरी से बच जाते हैं या फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं किचन के उगे, हाँ तो ये सब यूज करके हम कंपोस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट, हाँ वाकिंग का मैंने बताया था कि पानी कैसे देंगे, पानी के हवाले से हाँ वाटर स्प्रिंकलर के थ्रू देंगे और हम गर्मियों में सर्दियों में कम देंगे, लेकिन ये हम देखेंगे रिक्वायरमेंट भी देखेंगे हम प्लांट की। ठीक है हाँ हाँ नमी है तो फिर नहीं देंगे, लेकिन अगर देखेंगे खुश्क है बिल्कुल अगर से पानी की जरूरत है तो आप उसे देंगे। ठीक है ये हमने पढ़ा था, कोई भी डैमेज पार्ट हो या वेस्ट हो गया हो उस पार्ट को हम जो है प्लांट के रिमूव कर दें उसे प्रूनिंग बोलते हैं। ठीक है और जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग हम उसे बोलते हैं, ये मोस्टली जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होती है, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए हम पौधे लगाते हैं ट्रेनिंग उसी में यूज होती है। अच्छा प्रूनिंग हम जो है लीव्स की भी करते हैं, जैसे येलोइश हो गया या मतलब डैमेज हो गया प्लांट तो उसकी भी मतलब लीव्स की भी हम प्रूनिंग करते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मतलब आधा जो लीव है वो ग्रीन हो गया, ग्रीन या आधा जो है मतलब येलो हो गया है तो उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये ग्रीन ये जो येलो हो गए एक तो इनकी मतलब डिफिशंसी भी हो जाती है या डिजीज वगैरह भी लग जाती है तो उसकी वजह से भी हमें इसे रिमूव कर देना चाहिए ताकि इसकी जरिए जो है दूसरे जो लीव्स हैं वो डैमेज ना हो। और जो नीचे नीचे होते हैं स्पायर के करीब लीव्स होते हैं हमें वो भी रिमूव कर देने चाहिए। और स्टीम के भी हम प्रूनिंग करते हैं, और स्टीम का ये फंक्शन है कि जो टॉप होता है स्टीम का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें एक ऑक्सीजन मतलब केमिकली बोल दें तो हम किस तरह उसको सिक्योर करेंगे कि वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाए, किस तरह धागे से बांधेंगे तो आप ये थोड़ा बता सकते हैं? हाँ ये जो चार पैक जिससे हम बनवाते हैं ना वो जो है वो इससे डैमेज भी नहीं करेगा धागा जो होता है, और जो तीखी वगैरह कोई शीट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो मतलब हाँ लकड़ी से भी बना सकते हैं। जी जी बताएं हमारे जो सॉइल में या हमारे जो कंपोस्ट बनते हैं वो बिल्कुल ही फाइन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये वो मैंने इनमें डाले तो कुछ पौधे तो बहुत अच्छे हो गए लेकिन कुछ अचानक बिल्कुल सूख गए, फिर उसके बाद वापस उन्होंने न्यू उन्होंने जैसे उनकी नोडिंग स्टार्ट हुई तो वो क्या था मतलब क्यों वो सूख गए अचानक से? जब हम वॉन्स कंपोस्ट में डालते हैं तो वो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि वहाँ पर उनकी रिप्रोडक्शन भी होती है। हम एक वॉन्स यूज करेंगे हमें उसके बाद हफ्ते के अंदर 100 वॉन्स मिलेंगे। तो मैंने बताया था कि जब हम वाम हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है फिर हम क्या करते हैं
जो हमारे वर्मी कंपोस्ट छानने का मतलब यही है, जो वर्म्स हमें अलग करने हैं और वर्मी कंपोस्ट जो हमारा तैयार हो गया वो अलग करना है। हमें जो प्लांट्स में यूज करना है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या जो भी हम कंपोस्ट बनाते हैं वो। अगर वर्म यूज करेंगे ना तो वर्म जो है वो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको फीड करेगा, फीड करेगा तो हमारे जो प्लांट उनका नुकसान हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म्स यूज होते हैं वो सिर्फ डीकम्पोजिशन के लिए, जबकि हमें जो है ना ये छान कर अप्लाई करने से सिर्फ हमें प्लांट्स को न्यूट्रिशन देनी है ना, तो हम न्यूट्रिशन देंगे, वर्म्स नहीं देंगे। वर्म्स देंगे तो वो उन्हें खाएगा। अच्छा जी राइट, आई डोंट थिंक सो, इनका सवाल ये नहीं था, ये पूछना चाह रही है मेरे प्लांट्स, मेरे पास जो प्लांट्स है ना उनमें ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी है, तो क्या हम इनको हटाएं या फिर हम इनको रहने दें? नहीं, हमें जो है ना ये हटाने पड़ेंगे। हमें ये इसे स्प्रेड करना, इनमें कोई मतलब के कोई मेन ये नहीं, हमें ये जो है ना आपका ये भर जाए, फिर ये पानी जो है नीचे आस्ता 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 जाता जाए और सारी सॉइल ये बात नोट करनी है कि जो गाजर है, मूली है और गोगड़ू है और जीरा, ये जो है हमें पानी में नहीं भगोने, बाकी जो भी हमारी सब्जियों के बीज हमें मिले हैं या हम लगाएंगे वो हमें भिगोने हैं पानी में, 3 से 4 कलाक हमें भिगोने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीड है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है? ठीक है, हम क्या करेंगे, मैन्युअली ये तरीका करेंगे कि पानी में भिगोएंगे। अब देखें इसमें से जो सीड नीचे बैठ गए हैं वो हमारे हेल्दी है और जो ऊपर आ गए हैं यानी कि ये अनवाइबल है, ये हेल्दी नहीं है, ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। जो सीड हमारे नीचे बह गए हम सिर्फ वो उठाकर उनकी सोइंग करेंगे। तो हम कैसे करेंगे सोइंग, इससे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमारा टाइम लिमिटेड है, टाइम कम है, हम ये नहीं कर सकते। हम जब भी सीड सोइंग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो हमने ये कंटेनर फिल किया है ना ये मिट्टी का, अच्छा ये ओनली सिल्ट है, ये जो ओनली सिल्ट है इसमें कोई कंपोस्ट नहीं है, इसमें गोबर नहीं है, इसमें जो है हमारा सॉइल नहीं है, ये सिल्ट है सिर्फ हमसे हमें मिली है। तो हम इसमें जो हमारा कंपोस्ट हो, अगर आपके पास अवेलेबल है कोई भी कंपोस्ट तो हम वो कंपोस्ट लेंगे 1:1, अच्छा ऐसे बनाने हैं कि मिट्टी का 1:1 अलग करना है, हमें इस सिल्ट का रेशो अलग करना है और जो गोबर होगा
पुराना गोबर वो अलग करना है, एक एक जितना जो है ना लेना है, फिर जमीन में पखेड़ लेना है ताकि सूरज की रोशनी जो है उन पर आए और वो ड्राई हो जाए। अगर इसमें कोई इंसेक्ट है, कोई जीत वगैरह है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बिल्कुल ही सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से मर जाएगा। हमें वो ड्राई करके फिर वो जो हमारा सॉइल होगी, सैंड होगी, सिल्ट होगी और जो गोबर होगा ना, वो हमें इस तरह से मिक्स करना है। पहले मिक्स करके पूरे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हमें कंटेनर में फिल करेंगे। फिलिंग के बाद क्या करेंगे, हम इन्हें पानी देंगे। जब पानी देंगे तो हमारा जो अच्छा ये जो है इतना पानी, जैसे ये फिल हुआ है इसे आपको फिल करना है, फिर इतना सा आपको पानी जो है डालना है। आप जब ये पानी डालेंगे ना तो ये जो ऊपर ऊपर पानी होगा ये आस्ते 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 आपकी जो सॉइल है उसमें जो मिट्टी है वो इसमें से नीचे चलता जाएगा। जब नीचे चलेगा तो सारी सॉइल जो अंदर है हमारी वो जो है वो मॉइस्ट हो जाएगी। तो ऐसे जिस दिन आपको सोइंग करनी है उस जिस दिन आपको ये फिलिंग करनी है उस दिन सोइंग नहीं करनी। क्या, जिस दिन आपको ये कंटेनर में सॉइल फिल करनी है उस दिन सोइंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारा ये जो कंटेनर है, हमारी मेहनत है, हमारे सीड है, वो ज़ाया हो जाएंगे। वो इसलिए ज़ाया हो जाएंगे कि जब हम पानी देंगे ना डायरेक्टली सीड सोइंग करेंगे, हमारी ऊपर ऊपर की जो मिट्टी होगी वो तो गीली होगी मगर नीचे वाली नहीं होगी। इसके लिए हमें एक दिन पहले सोइंग, मतलब के सीड को लगाने से एक दिन पहले हमें पानी देना है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। सारा दिन देंगे, हमको इतना भर देना है कि वो पानी आहिस्ते आहिस्ते जज़ब कर दें। जब वो जज़ब हो जाएगा दूसरे दिन हमें ऐसे ही सीड लगाने, वो तो मॉइस्ट होगी। अच्छा, जो पुदीना का हमने लगाया है ना, धनिया, जो धनिया का हमने बीज लगाया है उसमें से हमें कोई भी स्पेस नहीं देना, सीड टू सीड स्पेस, यानी कि बीज के दरमियान जो स्पेस होता है वो नहीं देना, क्योंकि वो होते इतने बारीक है। मगर हम जब ये फेनुग्रीक लगाएंगे, ये मेथी लगाएंगे, इसमें हमें जो है स्पेस देना है। तो जी ये फिल हो गए, ठीक है, सारा फिल हो गया। अच्छा, ये देखें ये किलर्स आ रहे हैं ना, तो इसका ख्याल रखना है कि हमारे जो बड़े बड़े किलर्स होंगे वो हमें रिमूव करने, निकाल देने, ताकि जो हमारा जो ये है ना फाइन सॉइल करने हो, हमारी जो सॉइल हो वो फाइन हो, उसमें कोई भी पत्थर वगैरह ना हो, ये हमें अलग कर देना है, ये चेक करना है हमें बिल्कुल ही फाइन जो अगर होगा पहले इससे करेंगे ताकि जो भी किलर्स वगैरह हो वो फाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें ये लेवलिंग करनी है, लेवलिंग करके फिर हमें अच्छा सोइंग मेथड जैसे आपको मैडम ने बताया, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग यानी कि खाली खाली अपनी मर्जी से छिड़क देना। धनिया में हम छिड़क देंगे, उसमें स्पेस का कोई भी जो है ना मेन प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्पेस नहीं चाहिए होती, मगर इसमें स्पेस चाहिए होगी। अब क्या करेंगे, डिपिंग करेंगे, हमारी जो फिंगर है ये जो लाइन दिख रही है आपको, इतनी जो है फिंगर है वो डिप करनी है सॉइल में, ठीक है। अब इतनी मैंने सॉइल में डिप किया है, अब इसमें से ये सीड नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये हमारे अनवायबल है, हम नीचे वाले सीड लेंगे। अच्छा, ये पानी हमें क्या रिमूव करना है पहले, तो यहाँ पर मैं कहीं पर पानी तो नहीं फेंक सकती, ये जो है हमें सीड डिस्कार्ड करने, ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है, ये हमारे अनवायबल है, ये नहीं होंगे, हम लगाएंगे भी सही तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो सीड मर गए हों बिल्कुल ही उसी में, ये बिल्कुल ही मरे हुए हैं ऐसा समझे, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है। अब ये जो सीड है हम ये लेंगे, एक सीड लेंगे और यहाँ पर डिप करेंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे। फिर हमें हल्का हल्का ऐसे मिट्टी करनी है, देखिए आप सब ऐसे ऐसे करनी है, ऊपर ऊपर करनी है ताकि हमारा जो बीज है ना वो ज्यादा दब ना जाए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें दूसरी डिपिंग करनी है, ऐसे डिप करेंगे,
ठीक है, अब इसमें हमें सीड लगाने। तीन से चार कलाक ये जो है समझे हमारे भिगे हुए हैं। अच्छा, आप एक एक की बजाय दो दो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक नहीं निकलेगा तो दूसरा निकलेगा। तो हम ये दो ले रहे हैं, सब होल्स में लगाने। अब हमें जो है ऐसे करना है, ठीक है जी। सीड सो करके जी हाँ, फिर सीड सोइंग करेंगे, यानी कि सीड लगाएंगे फिर पानी डालेंगे। एक दिन नहीं, इसमें क्या करेंगे हम स्प्रिंकलर की वजह से गीली कर देंगे सिर्फ जी हाँ। अब ये हमने कर दिया, अब इसके होल बनाए और सीड लगा दिया, अब ये बंद हो गए। एक चीज का ख्याल रखना है, कोई भी सीड अगर हमारा नजर आया तो वो डायरेक्ट उनको सूरज की रोशनी लगेगी, वो मर जाएगा। पानी डायरेक्ट लगेगा, वो मर जाएगा। अच्छा, किसी बर्ड्स ने देख लिया, किसी परिंदे ने देख लिया, वो खा जाएगा। तो हमें, हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो होल बनाकर जो अंदर डालते हैं फिर मिट्टी दे देते हैं तो वो छुप जाता है, फिर उनसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी, डायरेक्ट पानी नहीं लगेगा और वो नीचे से ग्रो हो जाएगा। अच्छा, अब ये कर दिया है, फिर हमें ऐसे मिट्टी भी छिड़कनी है, ऐसे यूं यूं करके, ठीक है। फिर हमें पानी, ख्याल करें हमें डायरेक्ट पानी नहीं देना, डायरेक्ट देंगे जो हमने सीड अंदर डाले हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो इससे हमारे जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो हमें इस स्प्रिंकलर की वजह से इतना पानी देना है, ऐसे पानी देना है। ठीक है, ये वाटरिंग हो गई, वो वाली होती होगी जो पहले से हमने एक दिन पहले भी तो हाँ वो वाली होगी असल जी हाँ, ये वही वाली होगी। अब देखें सब, इसमें कोई भी सीड नजर नहीं आ रहा ऊपर ऊपर, देखिए। फिर हमें रख देना है, अब 4 to 5 5 to 7 days में इसकी जर्मिनेशन होगी। जब जर्मिनेशन होगी तो आप देखेंगे कि उसकी स्प्राउटिंग निकलेगी नीचे से। फिर हमें अगर सर्दी है तो हमें जो है हफ्ते में एक दफ़ा देना है, अगर गर्मी है तो हमें डेली चेक करना है। अच्छा, मॉइस्चर चेक करने का ये तरीका है कि जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ही ड्राई है, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है या नहीं, हम पहले ऐसे मिट्टी लेंगे फिर इसे यूं यूं करेंगे। देखें ये बिल्कुल ही ड्राई है, ये निकल गई। अब ये ड्राई नहीं है, ये वन देखें, अब ये है, तो मतलब इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे आपको फील हो जाए बिल्कुल ही, तो मतलब इसको पानी की ज़रूरत है। तो सर्दी में जो है इनको कम पानी की ज़रूरत चाहिए होती, मगर जो जब गर्मियाँ होती है ना तो इन्हें डेली चेक करना होता है कि कहीं पानी की ज़रूरत तो नहीं। अभी ऐसे ही मेथड है। जी हाँ, सीड सोइंग के टाइम होती है। अगर सीड डाल दें उसके बाद भी आप इनको पानी देंगे या फिर सूखा रखने के लिए छोड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, जब हमने सीड्स लगाना है ना तो मस्ट हमें पानी देना है। अगर पानी नहीं देंगे तो हमारा वो बीज जो निकलेगा नहीं, मर जाएगा और निकलेगा ही नहीं। तो जब भी सोइंग करेंगे हम उन्हें पानी देंगे, ठीक है। जब ये ग्रो करेंगे फिर हमें डेली मॉनिटरिंग करनी है कि पानी की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे कि ज़्यादा पानी देने से भी ये जो है ख़राब हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन होगी क्योंकि ज़्यादा मॉइस्ट होगा।
और कौन कौन से सीड्स हैं जो हम जिस तरह से फिंगर मतलब डिप करके और फिर करेंगे? जो भी बड़े सीड हो ना, लाइक जैसे कि ये फेनुग्रीक है और लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर को हाल लगाए अंदर, ये निकालते हैं। अच्छा यहाँ पर ये जो है ना पुर्निंग सा, इनसे लेकर दें आप पुर्निंग सा, वो जो नहीं है सीजर है आपके पास, हाँ धनिया के हम स्प्रेड कर देंगे ऐसे ही ऐसे, उन्हें स्प्रेड की जरूरत नहीं, और पुदीना पुदीना के भी नहीं करेंगे। आप इनके बता दें कि किनको भिगो सकते हैं और किनको नहीं। गाजर, मूली और गोगड़ू, जीरा, ये जो है इन्हें हमें नहीं भिगोना। गाजर, गोगड़ू, मूली, गोगड़ू वो शलजम, हाँ शलजम, वो जो है वो हमें नहीं करना। अच्छा ये सीड देखें, जिनके भी ऐसे मोटे हों सीड, ये है लेडी फिंगर, ठीक है। अब ये देखें, ये है मोटे, ठीक है। जो भी मोटे सीड होंगे, ठीक है, हमें इन्हें डायरेक्टली स्प्रेड नहीं करना, उन्हें हमें डिपिंग मेथड करनी है, ऐसे वाली डिप करके फिर अंदर डालकर एक ही डालना है, क्योंकि ये मोटा है। अच्छा हम दो भी डाल सकते हैं, मगर दो से ज़्यादा नहीं डाल सकते, फिर हल्की हल्की ये ऐसे कर देंगे, फिर वाटरिंग करेंगे, फिर वो। अच्छा ये भिगोना है, गाजर, मूली और आपने उर्दू में क्या, शलजम, जीरा, ये हमें नहीं, गोभी करनी है, ये जो है जी हाँ मिट्टी डालेंगे, ये हमें माइंड छुप जाए, कोई भी सीड हमें ऐसे जाहिर नहीं करना, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट लगेगी या पानी लगेगा वो मर जाएगा। हाँ पानी दे सकते हैं, जब भी हम कोई भी बीज लगाते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है, हमें पानी मतलब कि मस्ट होता है, जरूरी होता है देना। जब पानी देंगे तो वो जो है हमारा अंदर जो है ना ग्रोथ करने शुरू होगा, जिसे हमें पानी की नीड होती है, इन्हें भी पानी। अच्छा ऐसे ड्राइनेस में कोई भी सीड जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा। जी ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये हरी प्याज है, हरी प्याज, वो हरी प्याज ज्यादा होती है? नहीं नहीं, इसके बीज किस तरह के? ये पी ये है ब्लैक सीड, ब्लैक आपने काले सीड होते हैं प्याज के, देखिए ना काले होते हैं इनके से। अच्छा डायरेक्टली मतलब उनके अंदर से निकालना, वो कर सकते हैं, कर सकते हैं जी हाँ, उनके बीज को ड्राई करना जरूरी है? नहीं नहीं, असल में जो टमाटर है उन्हें ड्राई नहीं करेंगे, उसी वक्त देखा होगा उसके ऊपर एक व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो ग्रो हो जाती है। मगर जो भिंडी का आप कह रहे हैं ना, वो भिंडी के नहीं होंगे। और जो गाजर में, अच्छा गाजर की है, एक जो सब्जियां होती है वो एनुअल होती है, यानी कि उनकी एक मौसम होते हैं, उनमें ग्रो होते हैं, हम कंज्यूम करते हैं फिर ख़त्म। मगर जो बाइनियल सब्जियां होती हैं जैसे कि प्याज, अब प्याज की जो हम लगाते हैं ना गमले में, तो प्याज बनकर तैयार हो जाता है, फिर ही उनकी रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि उनके फिर जो लीव्स निकलते हैं, फ्लावरिंग निकलते हैं, उनमें से सीड बनता है। जब वो सीड बनते हैं, आप देखें वो ब्लैक सीड उसमें बनते हैं, फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट करके सोइंग के लिए रखते हैं। तो ओनियन में ऐसा होता है। अच्छा ओनियन की हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास सीड नहीं है तो हम ओनियन कैसे ग्रो करें, ओनियन को काश्त की ऐसे करें ना, तो ओनियन को हमें लेना है, जो हमारे घर ओनियन नहीं आते, हमें उनकी जो नीचे वाली रूट्स हैं, हमें क्या करना है कि ये हमारे अर्दिन पॉट है, ठीक है, हमें ऐसे होल बनाना है। वो जो हमारे पास सीड नहीं है, हम कैसे करें ना, तो हम ये सीड ऐसे होल करेंगे,
फिर इसमें से वो वाला बड़ा ओनियन रख देंगे पूरा। जी हाँ पूरा रख देंगे, फिर हमने उन्हें जो साइड में से कवर कर लेंगे, सिर्फ उनकी जो ऊपर जो लेयर होती है ना वो जाहिर हो, ठीक है, वो बालों वाली लेयर या पीछे बालों वाली तो टेल वाली हाँ। वो जो रूट्स वाली होगी वो नीचे होगी, टेल वाली ऊपर, हाँ नहीं नहीं टेल वाली नीचे होगी और ऊपर बालों वाली कैसे, बालों वाली व्हाइट व्हाइट जो नहीं होती वो नीचे होगी, वो नीचे होगी, फिर जो ऊपर जो होगा टिप जो होगी उसकी ना वो बाहर होगी, ठीक है, फिर हमें साइड से कवर करने, फिर एक वीक के बाद देखेंगे ना उनमें से प्लांट्स निकलेगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, फिर उनमें से होने ना, जी हाँ तो फिर वो ऐसे होगा। लेकिन वो प्याज में जो ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रो होता है उससे उसका क्या कर सकते हैं, प्याज के ऊपर ग्रीन ग्रीन वही तो जर्मिनेट होता है, नहीं तो वो जर्मिनेट होता है तो हम उसको काट कर सो कर सकते हैं, हाँ वो ऐसा अगर हम बीच में काटें तो भी इट्स गुड, अगर हमें कम्प्लीट अच्छा इसमें ये है कि अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए ना ओनियन के तो हमें कम्प्लीट सारा का सारा रख देना, पूरा ओनियन जो शूट्स हाँ, शूट्स निकले हुए होते हैं अक्सर, तो उसमें क्या होगा कि जल्दी अर्ली जर्मिनेशन होगी, जल्दी जल्दी होगा और वो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी जल्दी होगी, वो ऊपर जाएगा, फिर उनके लीव्स होंगे फ्लावर होंगे, फिर हमें ऐसे ही सीड मिलेगा जो इसके अंदर है ना, जैसे कि ये, फिर इसके सीड एक्सट्रैक्ट करके फिर हमें वो जो प्लांट है रिमूव कर देने, ये है इसका सीड, ये है प्याज का सीड, इनकी सो इनको पानी में भिगोने, देखिए नहीं हाँ बिल्कुल ऐसे कल कौन से हाँ उन्हें भी डिप करना, अच्छा नहीं नहीं जैसे ये प्याज है ना प्याज में स्पेसिंग होता है वो ऐसे देखें, प्याज जब तैयार हो जाता है कितना बड़ा हो जाता है, अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, अटैच होंगे तो उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, वो दोनों ही सब इधर बजे मिंट में नहीं होती मगर प्याज में होती है, क्योंकि प्याज खुद ही इतना मोटा बनता है तो वो एक साथ जो है ना, ये है ना ये है ओनियन का सीड, हमें चाहिए एक कंटेनर में ऐसे करें कि अगर आपने यहाँ पर सीड लगा है 2 to 3 centimeter, 2 to 3 centimeter ताकि ये जो गैप है वो इन्हें दोनों को मिलाए ना, हाँ ठीक है 3 centimeter के क्या फिर लगाना है, ऐसे वो एक दूसरे के साथ उनकी जो रूट्स हैं वो नहीं जाएंगी तो वो खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे, हाँ इसमें भी होल करेंगे। अच्छा जो ये मुझे ना एक मैडम ने बताया है कि हम इसे कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी अगर हम मार्केट से नहीं परचेस कर सकते, हमारे घर में जो चिलीज ड्राई हो जाती है या ग्रीन भी होती है हमारी काम की नहीं होती, तो हम पहले क्या करेंगे इसको कट करेंगे, ये कश्मीरी मिर्च, ये इनसे निकालते हैं, ये अच्छा ये जो है ना ज्यादा है, यानी कि ये जो है ज्यादा मुफीद है इसके लिए ना, कभी कभी हमें मार्केट से वो सीड मिलते हैं जो हमारे अच्छे नहीं होते हेल्दी नहीं होते, मगर इसमें गारंटी है कि हमारे जो भी सीड होंगे वो ग्रो जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, वो पुराने भी होते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में जो है फ्रेश है। अच्छा मुझे पेपर चाहिए एक, किसी भी सीड को ड्राई नहीं करेंगे, जब हम किसी भी सीड को ड्राई करते हैं ना तो वो मर जाता है, उसमें अंदर जो वाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये मिर्ची इसके अंदर है पर बाहर नहीं है, बाहर होती तो वो मर जाता, ठीक है। अच्छा इनका भी स्टोरेज टाइम होता है, हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्टोर नहीं कर सकते,
बस जैसे सूख जाए तो उसको बस बीच निकाल के और जी हाँ ऐसे करेंगे तो हमारे जल्दी हो जाएंगे। अच्छा ये आपको एक बात माइंड में रखनी है कि कोई भी सीड हम लेंगे वो हमें जो है देखना है कि उनका टाइम पीरियड की मतलब कि समर वेजिटेबल है कि विंटर यानी कि गर्मा गर्म मौसम के करेला नहीं बना जी हाँ वो करेला सीजन तो इनकी भी सीजन नहीं है। अच्छा लेमन तो होगा वो है ही विंटर मगर वो जो है फ्रूट है लेमन वो वेजिटेबल में नहीं है। लेमन की कटिंग्स लगाते हैं नहीं 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 लेमन के अंदर जो बीज होते हैं ना वो आप लगाएंगे को आपको 15-10 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या जी हाँ क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो इतनी इतनी निकलती है साल में भी इतनी 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 निकलती है।